नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिले में टेंडर का खेल और सरकारी राशि की लूट जारी है। इंजीनियरिंग विभाग हर योजनाओं में सरकारी राशि का बंदर बांट करने में लगे हैं। अभी ताजा मामला परमवीर अल्बर्टिक का स्टेडियम 2 का है। स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, परंतु हैरत करने वाला मामला यह है कि यह मॉर्निंग वॉक ट्रैक बिना टेंडर निकाले प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। लाखों रुपए की योजना है, परंतु अभी तक मॉर्निंग वॉक ट्रैक ग्राउंड में लोगों से चलने वाले ट्रैक का कोई टेंडर नहीं निकाला गया है। ठेकेदार से कमीशन तय कर अपने पसंदीदा ठेकेदार को इंजीनियर के नाम पर आवंटित कर दिया गया है। बताया जाता है कि अब ट्रैक बन जाएगा तब इसका टेंडर अपने मन मुताबिक दर राशि पर निकाली जाएगी। इसमें लाखों रुपए की सरकार राशि लूट की योजना है। राज्य सरकार में सरकार की अस्थिरता का लाभ उठाते हुए गुमला में प्रशासन महकमा जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए सरकारी राशि का बंदर बांट करने में लगे हुए हैं। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि भोला चौधरी ने बताया कि बिना टेंडर का खेल सरकारी राशि का बंदर बांट किया जा रहा है। अगर टेंडर निकलता तो टेंडर खरीदने में सरकार के रुपए अधिक होते और कम में ही स्टेडियम निर्माण किया जा सकता है। जब प्रशासन के द्वारा कमीशनखोरी की जा रही है, जिसके चलते बिना टेंडर का कार्य किया जा रहा है, सरकार ऐसे अधिकारी के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में जनता की गाड़ी कमाई के पैसों का बंदर बांट करने की बात कही। आ रहा है ये मैदान में, कुछ दिन पहले ही डीसी साहब रैंप बनाने का आदेश किए थे, उसके बाद देख रहे हैं काम शुरू हो गया है। पता नहीं बिना टेंडर का काम हो रहा है इस तरह से। इसमें भी सरकारी राशि का इधर उधर हेर फेर होने की संभावना बनी रहती है। कई विभागों में इस तरह का मामला बना रहता है और अक्सर इससे राजस्व की भी क्षति होती है और राशि भी कम होती है। तो टेंडर निकालने से सरकार को लोएस्ट रेट में काम देने से सरकार के सरकारी धन का बचत होता है और राजस्व की बचत होती है।